अभी अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस अगर पूछने हो कहाँ है सामने आ जाए, आनंद सर से अगर कुछ भी आप कोई भी पूछना चाहता है। महन सर है, महन जी कॉस्मोपॉलिटन स्कूल के प्रबंधक, खड़ो प्रणाम सर। बाकी कोई विद्यार्थी अध्यापक कोई भी पूछना चाहे पूछ सकता है। सर आपके इतिहास के बारे में अभी हम लोगों को पता चला। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप महाराज जी की सरजमी पे आप आए और इतना शानदार आपने सभी को मोटिवेशन दिया है। मैं समझता हूँ ना सिर्फ विद्यार्थी जो यहाँ अध्यापक भी हैं, जो मेरी तरह प्रबंधक होंगे विद्यालय के, वो भी मोटिवेशन से प्रेरित हुए होंगे। बस मेरे मन में सर एक सवाल था कि जब आप वो फिल्म में दिखाया गया कि आप पैसे के लिए उस नेता के पास जाते हैं और वो नेता कहता है बहुत अच्छा करो 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 बहुत, तो क्या वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था? अगर वो पैसे आपको दे देता तो आप भी अपने अन्य विद्यार्थियों की तरह विदेश में होते, तो जो आप सुपर 30 दे पा रहे हैं शायद उससे वंचित रह जाता ये पूरा हमारा भारतवर्ष। तो क्या ये वो सही था या आपके हिसाब से गलत था? देखिए बहुत अच्छी बात है, हम बच्चों से पूछना चाहते हैं वो दृश्य किसको किसको याद है जो नेताजी पंकज त्रिपाठी बने थे, याद है आप लोगों को? तो बहुत लोगों को याद है, तो वो दृश्य में था वो एकदम 100% सही। तो फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने बहुत प्रयास किया लेकिन उससे बड़े कलाकार थे नेताजी। क्या हुआ अब ऐसी अभी तो हम जल्दीबाजी थे लेकिन आप अच्छा तार छेड़ दिया, बता देते हैं गए नेताजी के पास बच्चों बुलाए आना मिल ले, हम कहे कि सर प्रणाम मैं आनंद कुमार आपसे मिलने आया हूँ, आप बुलाए क्योंकि टाइम लेके गए थे पिताजी। नेताजी बोले हाँ मैं बुलाता हूँ, हर उस नौजवान को बुलाता हूँ जो बिहार के लिए देश के लिए प्रदेश के लिए अच्छा काम करता है, तुमने भी काम किया तुमको बुला लिया। हम कि जा इसमें नेताजी पैसा देने की बात ही नहीं कर रहे भाई, तो हम पिताजी को बोले लगता है भूल गए। पिताजी बोले कान में कह रहे भाई बड़े आदमी हैं जनता दरबार में तुम बैठे हुए भूल गए होंगे, इनको याद दिलाओ। हम कि सर आप बुलाए थे मुझे विदेश जाना था कुछ अच्छा पैसा के लिए आपने बुलाया था सर, पैसा के लिए, पैसे के चक्कर में मत पड़ना। नेता सुभाष चंद्र बोस पैसे के चक्कर में रहते थे, महात्मा गांधी पैसे के चक्कर में रहते थे, पैसा के चक्कर में अच्छा अच्छा ये सही ये सभी जेल चला जाता है, देखा नहीं है? तो पैसा के चक्कर में नहीं पढ़ाई के चक्कर में पढ़ो, मेहनत कर जाओ। फिर अब सोचे कि नहीं अब लगता है कि नहीं देंगे पैसा, लेकिन एक बार इसको खुल के बता कि सर देखिए ऐसा है कि मुझे विदेश जाना था और अब पैसे की मदद की बात बोलते, विदेश कहाँ जाना है? कि सर इंग्लैंड, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जापान और जर्मनी भी जाओ, लेकिन इस मिट्टी के लिए बिहार की मिट्टी जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ महावीर की कर्म भूमि है, उसको कभी मत भूलना। जितना की सोसाइटी फिर वापस आना तुम समझदार हो गए, तुम जा सकते हो। फिल्म में इतना ही दिखाया है, आगे का दृश्य था जो नहीं दिखाया, जो हम और पिताजी क्या किया कि सड़क पार करके फिर आप जा रहे थे सड़क के उस तरफ, चाय पी रही थी ठेले पर बेचारा गरीब आदमी चाय पी रहा था, पिताजी बोले कि चाय पिला दीजिए भाई। बोला कि पिताजी का चेहरा देख के बोला कि लगता है आप अपने बेटा ला नौकरी मांगने गए थे, डांट सुने हैं। तो पिताजी ने ही बोल बताया ऐसी ऐसी बात है भाई। चाय वाला बोला कि अरे किस नेता के पास किस मंत्री के पास आप गए जो पिछले 4 महीना से उधार चाय पी पी के मुझे पैसा नहीं देता है, वो आपके बेटा को क्या? देश की यही सच्चाई है, यहाँ अच्छे अधिकारी है वही देश को बदल सकते हैं, युवा लोग आप लोग पढ़ के देश को बदल सकते हैं, लेकिन अगर चल जाते तो शायद किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चरर लग जाते बन जाते, आज असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर कुछ होते, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप बच्चों आपके साथ हैं और देश के बड़े बच्चों हैं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत ही ज़्यादा नाम लेना भूल गए, कार्ड इन लोगों ने भेजा तो हमने फेसबुक पर डाला, बहुत कम पोस्ट डालते हैं कहीं जाते थे, लेकिन बहुत प्यार से तिवारी जी इस कार्यक्रम को कराए, तो ईमानदारी से बता रहे 5-7 लोग मुझे फोन करके पूछा क्या नाम है मुस्कुराता बच्चा। वाह हमको लगता है मुझे भी एक संस्था शुरू करनी चाहिए जिसका नाम रखना चाहिए मुस्कुराता बच्चा। तो मुस्कुराता बच्चा के अमित त्रिपाठी जी हैं, रश्मि श्रीवास्तव जी हैं,
ऋचा जी है, प्रकाश तिवारी जी है, मनोज केसरी जी, सबको हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए अपनी आप जिंदगी लगा रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई नहीं है। बहुत बहुत गुड इवनिंग सर, आई सेल्फ अभिषेक कुमार यादव, आई स्टडी इन अ क्लास टेन सर। पर्सन्स हू आर ऑपरेटिंग इन सिस्टम थिंक्स लाउडर इज लाउडनेस। अच्छा आवाज कर लाउडनेस एज वी स्पीक, जैसा हम जानते हैं तो ज़्यादा लाउडनेस हमारे ईयर के लिए बेनिफिशियल होगा, इसलिए आप थोड़ा कम कर दें। ठीक है, आवाज कम कर देंगे बच्चे का। सर हमारे पास बहुत क्वेश्चन है लेकिन पता नहीं क्यों हम थोड़ा डरते हैं बोले थे, इसलिए ज़्यादा पूछ नहीं पाते। सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, द स्टूडेंट थिंकिंग अबाउट दैट द मैथमेटिक्स इज टू बी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, व्हाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अभी हमने बताया कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, रीजन ये है, इसके पीछे की वजह ये है कि हम लोग उसको समझते नहीं हैं। अगर मैथमेटिक्स को समझना शुरू कर दे तो इतना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है कि पूछिए बस। इसलिए एक बार बेसिक से पढ़ते हुए मैथमेटिक्स को समझिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसका बहुत उपयोगी है, बहुत कैरियर भी है और आप इससे लॉजिकल होंगे, इससे जीवन की समस्याओं को भी आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आता हूँ सर, आपने बोला उस बच्ची से, आपने बोला था कि जैसे बच्ची ने आपसे क्वेश्चन, आपने पूछा कि क्या गारंटी है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो सर जब आपने सुपर 30 स्टार्ट किया था तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, मतलब जो आप उस बच्ची से पूछे, अपने आप से अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपको क्या लगता था कि क्या ऐसा हो पाएगा कि नहीं? ये पहला क्वेश्चन है सर। और एक और है कि चैलेंजेस क्या क्या आए थे उस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे? और तीसरा है सर, आपका विजन पूरे कंट्री को लेकर क्या है? बहुत अच्छा अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहली बात है कि सच में मुझे भी लगा था कि पता नहीं कितना हो, और जीवन की ये सच्चाई है दोस्तों, बहुत सीरियसली बता रहे हैं, जो भी हमको सुबह अपना निजी अनुभव बता रहे हैं, कहीं से पढ़ के लिए। आप अगर ईमानदारी से मेहनत करिएगा तो जितना लक्ष्य पहुंचिएगा ना, उससे आपको कई गुना ज्यादा जीवन है, एकदम ईमानदारी से बता रहे। तो हम लोग सोचे थे 5-10 बच्चा भी कर गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना बच्चा किया। दूसरी बात, अभी देखिए बहुत कुछ समानता है, अभी एडीएम साहब के साथ एक घंटे बात कर रहे थे, रास्ते में आ रहे थे, जिन्होंने बोला कि रिजल्ट आने वक्त बड़ा हम लोगों को भी घबराहट होती है, एकदम घबराहट होती है भाई, कौन बच्चा कर रहा है, कौन बच्चा नहीं कर रहा है, किसका भविष्य क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोगों को भी इंतजार होती है कि कल क्या हो, कल किसके घर में खुशी आएगी, लेकिन हम लोगों को विश्वास रहता है क्योंकि जब भी आईआईटी का रिजल्ट एडवांस आता है तो बारिश होती है उस समय, तो हम लोगों को इस बात का विश्वास होता है क्योंकि बरसात का मौसम है कि भाई मानसून आए या ना आए, पानी पड़े या ना पड़े, लेकिन एक गरीब घर में बच्चे बच्चियों की माँ के आंख में खुशियों की आंख बारिश तो जरूर होगी, ये उम्मीद हम रखते हैं, इन्हें अच्छा हो। तो ये लगा रहता। दूसरा आपका सवाल था ये कि दूसरा क्या सवाल था, तीसरा याद है, क्या क्या चैलेंज, बहुत तरह का चैलेंज है जो आप फील्ड में देखें, बच्चों को खिलाने पिलाने का, पढ़ाने का, लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंज था माफियाओं का, वहाँ के लोगों को तंग करने का। डॉक्टर साहब ने बोला कितना कि भाई बड़े बड़े जर्मन साइंटिस्ट की बात, उनको परेशान किया गया, उतने बड़े बड़े लोग थे, तो हम लोग तो बहुत छोटे लोग, तो परेशान तो करते वो चैलेंजेस था। तीसरा देश को लेकर विजन है कि हम अपने मरने तक में ये देखना चाहते हैं कि हर गरीब, कितना भी निर्धन परिवार का बच्चा है बच्ची हो, किसी की भी पढ़ाई पैसे के चलते न रुके, अगर उसमें टैलेंट है, प्रतिभा है, तो उसको पढ़ने का अवसर देश में मिले, एक ऐसा देश हम भारत में।